हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रम बेसिक नोट्स। फ्रेंड्स, अगर आप ये मैक्रम बेसिक नोट्स लगाना सीख जाते हैं तो आप मैक्रम से बना कोई भी सामान इजीली बना सकते हैं, जो कि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाते हैं नोट्स। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप एक कॉर्ड लेंगे। मैंने इस कॉर्ड का कोई मेजरमेंट नहीं किया है क्योंकि मुझे सिर्फ आपको नोट्स लगाना बताना है। तो आपको एक कॉर्ड के दोनों एंड्स को आप एक साथ इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। ये जो फोल्ड वाला हिस्सा है, आप इस वाले कॉर्ड के ऊपर से नीचे की ओर ले जाएंगे इस तरीके से, और इसके जो ये जो राउंड बना है हमारा, इसमें से आपको ऊपर वाले इन दोनों कॉर्ड्स को निकालना है इस तरीके से, और आपको इसे हल्का सा खींचना है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस कॉर्ड को अटैच कर लिया है। मैंने इस कॉर्ड पर अटैच किया है। अगर आपको किसी भी वॉल हैंगिंग पीस पे बनाना, जैसे आप वॉल हैंगिंग पीस बना रहे हैं उस पर अटैच करना है, तो आप सेम इसी प्रोसीजर से आप रिंग पर भी अटैच करेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कैसे करना है। आपको आपने कॉर्ड लिया, इसके एंड को इस तरीके से पकड़ा, इसको जो फोल्ड वाला हिस्सा है हमने ऊपर से नीचे की ओर डाला, और जो ये दोनों कॉर्ड्स हैं हमें इस सर्कल में से निकालना है इस तरीके से, और थोड़ा सा टाइट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अटैच कर लिया है। अब हम आपको नोट लगाना बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बीच वाली जो दो कॉर्ड हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगी। जो पास पास वाली जो दो कॉर्ड हैं, इस साइड और इस साइड वाली जो कॉर्ड है, उससे हमें नोट लगाना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली कॉर्ड है, हम उसे फोर की तरह रखेंगे इस तरीके से, और जो राइट हैंड साइड वाली कॉर्ड है, इस वाली कॉर्ड के हमें ऊपर रखना है, और इसे इन दोनों वाली कॉर्ड के नीचे से ले जाते हुए इस सर्कल में से निकालना है इस तरीके से, और यहाँ पे एक नॉट लगा देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, पहले हमने इस साइड से फोर बनाया था, अब हमें राइट हैंड साइड से करना है इस तरीके से। पहले हम फोर बनाएंगे, और जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली कॉर्ड है, इस वाली कॉर्ड के ऊपर से नीचे की ओर ले जाते हुए इस सर्कल में से निकालना है, और एक नॉट लगा देनी है इस तरीके से। नॉट को थोड़ा सा हम टाइट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक नॉट रेडी है। अगर हमें इसी तरह की नॉट्स और यूज़ करना है तो हम इसी को दोबारा दोबारा करेंगे। अब हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड से कॉर्ड को इन दोनों कॉर्ड्स के ऊपर रखेंगे, और राइट हैंड साइड वाली कॉर्ड को इस कॉर्ड के ऊपर रख के इन दोनों वाली कॉर्ड्स के नीचे की ओर ले जाते हुए इधर से निकालना है, और एक नॉट लगा देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, इस साइड से फिर से हम ऊपर रखेंगे इस कॉर्ड को, इस वाली कॉर्ड के ऊपर से बीच वाली कॉर्ड के नीचे से ले जाते हुए इस सर्कल में से निकालना है, और एक नॉट लगा देनी है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने नोट्स लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। अब हम ये वाली नोट्स मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको दूसरी तरीके की नोट्स बताऊंगी। इसके लिए फ्रेंड्स, उसी तरीके से हमें कॉर्ड्स अटैच करनी होंगी इस तरीके से। एंड से हमने पकड़ा, इसको जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है ऊपर से नीचे की ओर ले जाएंगे, और इस राउंड में से ऊपर से कॉर्ड्स को निकाल लेंगे। फिर से फ्रेंड्स, एंड वाला है, जो एंड वाले को हम पकड़ेंगे, इस कॉर्ड को हमने फोल्ड किया, जो फोल्ड वाला हिस्सा है ऊपर से नीचे की ओर ले गए, और इस वाले राउंड में से इन दोनों कॉर्ड्स को निकालेंगे, और इसको टाइट कर देंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको ये स्क्वायर नोट बताई थी, अब मैं आपको दूसरी तरीके की नोट बता रही हूँ। इसमें फ्रेंड्स, आपको ये जो दो कॉर्ड हैं बीच वाली, इनको ऐसे ही पकड़ना है, और जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली कॉर्ड है
उसको आपको इस तरीके से रखना है, फोर की तरह, जैसे हमने इसमें फर्स्ट वाली कोड में बताया था। और ये जो राइट हैंड साइड वाली कोड है, इसको इस कोड के ऊपर रखते हुए मिडल वाली कोड के नीचे से इस सर्कल में से निकालना है और एक नॉट लगा देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, पहले हमने जो ये वाली नोट्स थी हमारी, इसमें हमने एक बार लेफ्ट से किया था, फिर राइट से किया था, फिर लेफ्ट से किया था, फिर राइट से किया था, बट इस वाले में, इस नोट में आपने लेफ्ट से स्टार्ट किया है। अब हमें सारी गांठों में लेफ्ट से ही करना है। हम फिर से लेफ्ट से इसी तरीके से करेंगे। इसके ऊपर रखा हमने इस वाली कोड को, अपने इस वाली कोड के ऊपर रखा और जो मिडल वाली कोड है इसके और नीचे की ओर ले जाते हुए इस सर्कल में से निकाला और एक नॉट लगा दी। उसके बाद फ्रेंड्स, फिर से हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला ही रखना है और राइट हैंड साइड वाली कोड को इस वाली कोड के ऊपर से लेकर मिडल वाली कोड के नीचे से इस सर्कल से निकालना है और इसे नॉट लगा देनी है, इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप जितनी भी नोट्स लगाते हो उसे थोड़ा टाइटली लगाना, बिकॉज आप लूज़ लूज़ करोगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। अब फिर से हम दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड लेंगे इस तरीके से, और जो राइट हैंड साइड वाली है वो इसको ऊपर रखा हमने और इसके मिडल वाली के नीचे की ओर ले जाते हुए इस राउंड में से निकालना है और एक नॉट लगा देनी है, इस तरीके से। यही प्रोसीजर हम बार बार करेंगे। बार बार हमें सिर्फ वन साइड से ही लेना है, लेफ्ट साइड से ही, इस तरीके से। उसके बाद फिर से लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। इसको हमने ऊपर से लिया, मिडल वाली कोड्स के नीचे से लेकर इस सेंटर पॉइंट से सेंटर से निकाला और यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड से रखेंगे ऐसे। इसको हमने इसके ऊपर रखा, मिडल वाली के नीचे से इस राउंड में से निकाला और एक नॉट लगा दी, इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये स्प्रिंग की तरह ऐसे ऐसे फोल्ड होती जाएगी। तो हम यही बार बार करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से किया, इस तरीके से रखा और नीचे से निकालते हुए नॉट लगा दी। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरह की नॉट्स ये बताई है मैंने आपको, इस तरीके से, ये इस तरीके से घूमती जाएगी स्प्रिंग की तरह। अब मैं आपको थर्ड नोट बताऊंगी। हमने एक कॉर्ड लिया, इसके एंड को हमने इस तरीके से पकड़ा और ये राउंड हमने ऊपर से नीचे की ओर ले जाते हुए अपनी कॉर्ड्स को, इन दोनों कॉर्ड्स को इस सर्कल में से निकाला और इस तरीके से हम अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स, जितने भी आपको कॉर्ड्स अटैच करनी होती है वो सेम इसी तरीके से ही करनी होती है, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, ये दो कोड को हम इसी तरीके से रखेंगे। यहाँ पे हम, जैसे हमने इस इनमें फर्स्ट नोट लगाई थी, फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट नोट लगाई थी, सेम उसी तरीके से हम इसमें भी लगाएंगे। इन दोनों कोड्स के ऊपर इस तरीके से रखा, इस वाली कोड को हमने इसके ऊपर से ले जाते हुए, ये जो मिडल वाली कोड है इसके नीचे की ओर ले जाते हुए इस सर्कल में से निकाला और एक नोट लगा दी, इस तरीके से। फिर राइट हैंड साइड से हम करेंगे ऐसे। रखा, लेफ्ट वाली को इसके ऊपर रखा और मिडल वाली के बीच में से निकालते हुए इस सर्कल में से निकाला और इस तरीके से एक टाइटली एक नोट लगा दी, इस तरीके से। हमने फ्रेंड्स एक नोट लगा दी है। उसके बाद हमें ये थोड़ी सी गैप दे के यही नोट लगानी होगी, इस तरीके से। लेफ्ट से हमने यहाँ रखा, इधर से इस कोड के ऊपर से ले जाते हुए इन दोनों कोड के नीचे से निकालेंगे, इस तरीके से, ऐसे। अब राइट हैंड साइड से इन दोनों कोड्स के ऊपर रखा,
और इस वाली कॉर्ड के ऊपर से मिडल वाली के नीचे से ले जाते हुए इस सेंटर से निकालेंगे, सर्कल से निकालेंगे और एक नॉट लगा देंगे। बीच वाली कॉर्ड को हल्का सा खींच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब जो ये गैप है इसको हम इस तरीके से ऊपर की ओर सरका देंगे। उसके बाद फिर से हम यही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली को हमने इन कॉर्ड्स के ऊपर रखा, राइट हैंड साइड वाली को इस कॉर्ड के ऊपर से ले जाते हुए मीडियम वाली कॉर्ड है जो मिडल वाली, इसके नीचे से ले जाते हुए सर्कल से निकालना है और यहाँ पे एक नॉट लगानी है थोड़ा सा गैप देकर। उसके बाद हम राइट हैंड साइड वाली को रखेंगे और यहाँ से इस कॉर्ड को ऊपर रखा, इससे नीचे की ओर ले जाते हुए इसमें से निकाला और यहाँ पे एक नॉट लगा दी। और इसको हम थोड़ा ऊपर की ओर सरका देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बटरफ्लाई नॉट रेडी है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, कॉर्ड के एंड को हमने पकड़ा, इस तरीके से फोल्ड किया, इस राउंड को ऊपर से नीचे की ओर ले गए और हमें सेंटर से इसके सर्कल में से निकाला, इस तरीके से टाइट किया और अटैच कर दिया। अब इसी तरीके से हम इसको भी डालेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम मोती को फिक्स करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दो कोर्ड्स को मैंने जो डाला है, अभी हमारे पास फोर कोर्ड्स हैं, इसकी जो दो कोर्ड्स हैं बीच वाली, इसमें हमें ये मोती डालना होगा। इस बीड्स को हम ऐसे करके डालेंगे, उसके बाद ये वाली जो नोट है स्क्वायर नोट, वही लगानी है। उसके बाद फ्रेंड्स, इस बीड्स को डालने के बाद जो हमने फर्स्ट में जो नोट लगाई थी, वही नोट हमें यहाँ पे लगानी होगी। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, फोर बनाया, इसके ऊपर से रखा और सेंटर्स के बीच से निकाला इस तरीके से, फिर इस साइड से ऐसे किया। देखिए इस तरीके से हम अपने सारे बीड्स वगैरह अटैच करते हैं इसमें। अब इसी तरीके से हम इसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी बीड्स अटैच किए जाते हैं वो इसी तरीके से किए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट नोट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी हम मिडल वाली हैं जो, उनको ऐसे ही रखेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कॉर्ड है इन दोनों मिडल वाली कॉर्ड्स के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और जो राइट हैंड साइड वाली कॉर्ड है इस कॉर्ड के ऊपर रखा और ये जो मिडल वाली कॉर्ड्स है इनके नीचे से ले जाकर इस सेंटर में से, इस सर्कल में से निकाल दिया। इस तरीके से एक नोट लगा दी। उसके बाद राइट हैंड साइड वाली को यहाँ पे रखा ऊपर इन दोनों कॉर्ड्स के, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कॉर्ड है इसको हमने इसके ऊपर से ले जाते हुए इन दोनों मिडल वाले के नीचे से इसके अंदर से निकाला और एक नॉट लगा दी इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें हल्का सा गैप देना है हमें,
ऐसे रखा, ऊपर से रख के इसके बीच से निकाली, और इस तरीके से एक गैप बनाते हुए सेम वही नोट हमने लगा दी है। फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड वाली कॉर्ड को लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, इस वाली कॉर्ड को इसके ऊपर रखते हुए इधर से निकालेंगे और थोड़ा सा गैप देते हुए इसी नोट को हमें यहाँ पे लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक चेन सी बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि पाइपिंग कैसे करते हैं। इसके लिए हम कोर्स अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इससे पाइपिंग करना बताऊंगी। देखिए, ये वाली कॉर्ड हम उठाएंगे और इस वाली कॉर्ड को हम ऊपर रखेंगे। इस वाली कॉर्ड से फ्रेंड्स आपको जो भी शेप देनी है, आपको इस तरीके से ऐसे शेप देनी है तो आप इस पे ही पाइपिंग करेंगे इस तरीके से रख के, और अगर आपको इस तरीके से शेप देनी है तो आप ऐसे पाइपिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाले हाथ में हम ऊपर इस कॉर्ड को रखेंगे और ये जो ये वाली कॉर्ड है इसको इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हुए पाइपिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बार कर दिया। अब इसी कॉर्ड को फिर से इस वाली कॉर्ड के ऊपर की ओर ले जाते हुए इसमें से निकाल के इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड्स, एक कॉर्ड को हमने पाइपिंग कर दिया है। अब हम इसी तरीके से दूसरी कॉर्ड को भी करेंगे। इस तरीके से ये कॉर्ड हाथ में रखेंगे, इसको ऊपर से ले गए और इसके बीच में से निकाला इस तरीके से, फिर से इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम एक एक करके सारी कॉर्ड्स को सेम इसी तरीके से पाइपिंग करेंगे। इसको हमने इस तरीके से द्वार बता देते हैं। इस तरीके से ये वाली कॉर्ड है हाथ में रखेंगे, इसको नीचे ले की नीचे से ले जाकर इस तरीके से बीच में से निकालना है, थोड़ा टाइट कर देना है। उसके बाद फिर से ऐसे करके पाइपिंग करनी है। इस तरीके से हम सारी कॉर्ड्स को ऐसे कर लेंगे। मैंने अपनी इस वाली जो कॉर्ड, मैंने फर्स्ट कॉर्ड जो उठाई थी उससे मैंने इन सारी कॉर्ड्स को पाइपिंग कर लिया है। इस तरीके से आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बेसिक नोट्स कैसे लगाते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर रिंग को कवर करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है और आप भी बोर हो रहे होंगे। तो रिंग कवर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ
तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।